नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। जल संरक्षण को लेकर जिलाधिकारी की पहल। जालौन उरई भूगर्भ में गिर रहे जल स्तर और भीषण गर्मी में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने आजादी के अमृत महोत्सव पर विलुप्त होती जा रही नदियों का अस्तित्व बचाने के लिए 125 नदियों को अमृत सरोवर योजना के तहत साफ सफाई तथा जल संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसमें भूगर्भ जल संरक्षण के लिए भूगर्भ वैज्ञानिकों की मदद से पाताल तोड़ कुएं भी संरक्षित कर इतिहास की धरोहर बचाने में स्थानीय लोगों से जल संरक्षण कर जिससे पशुओं को पानी पीने की किल्लत से निजात मिल सकेगी। जालौन से जिला ब्यूरो चीफ के श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जालौन में पीने के पानी की कई समस्याएं हैं और इसको लेके आप कुछ काम कर रही हैं। भूगर्भ जल संरक्षण को लेके क्या काम कर रही हैं और इसमें आपने भूगर्भ वैज्ञानिकों की भी मदद ली है, तो थोड़ा सा बताएं इसमें कहाँ कहाँ जल संरक्षण के लिए काम हो रहे हैं और क्या क्या उसमें बताएं। जल संरक्षण के अंतर्गत कन्वर्जेंस के माध्यम से लगभग 1001 जल संरक्षण के काम इस वित्तीय वर्ष में हमने प्रारंभ किए हैं। उसमें विभिन्न तालाबों का निर्माण है, नदियों का निर्माण है और इसके अतिरिक्त भी अन्य कार्य हैं। 125 नए अमृत सरोवर बना रहे हैं जो कि पूर्णतः नए तालाब होंगे। इसमें राजस्व विभाग और विकास विभाग के समन्वय से पहले हमने जो तालाब खतौनी में थे लेकिन मौके पर नहीं थे उन जमीनों को चिन्हित कराया, अतिक्रमण से मुक्त कराया और पूर्णतः नए तालाब ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अमृत तालाबों के रूप में अमृत सरोवर के रूप में विकसित किए जाएंगे। और यहाँ ध्वजारोहण एवं छोटी सी सभा की ये भी जो आवश्यक प्रावधान है वो किए जाएंगे। मैं प्राकृतिक जल संरक्षण को लेकर भी आपने कुछ काम किए हैं। प्राकृतिक जल संरक्षण के अंतर्गत पुरानी नदियों का पुनर्जीवन करना, इसके अतिरिक्त जैसे हमारे जनपद जालौन में नंदीगांव ब्लॉक में एक विशेष प्रकार की संरचना भौगोलिक संरचना है पाताल तोड़ भी है, उनके संरक्षण को लेकर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि इनका एक परियोजना बनाकर नेशनल मिशन ग्रीन गंगा के तहत भेजें ताकि इस प्रोजेक्ट के द्वारा बहुत स्तर पर पाताल तोड़ों का जो संरक्षण है नदीगांव के क्षेत्र में वो किया जा सके। इसको लेकर भूगर्भ वैज्ञानिकों की भी आपने मदद ली है, तो वहाँ से क्या पाया? भूगर्भ वैज्ञानिकों से ये प्रोजेक्ट जो बनवाया जा रहा है वो भूगर्भ वैज्ञानिकों की मदद से बनवाया जा रहा है ताकि वैज्ञानिक तरीके से जल संरक्षण किया जा सके। थैंक यू।